और दो रफाल एयरक्राफ्ट के साथ वो जो MRTT एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करना है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कैमरा उसको पकड़ पाएगा कि नहीं वो एक डाउट है, क्योंकि जहाज तो उड़ेंगे लेकिन वो कैमरा शायद उनको पकड़ नहीं पाएंगे। इस वक्त 61 कैवलरी रेजिमेंट ये दुनिया की एकमात्र घुड़सवार रेजिमेंट है और इनका आदर्श वाक्य जो है अश्व शक्ति यशोबल, जो 61 कैवलरी रेजिमेंट है वो इस वक्त सलामी मंच के सामने जाती है। देखो इसका एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये 1953 में रेज हुई थी और अब वर्ल्ड के अंदर यही एक रेजिमेंट रह गई है जो कि घोड़ों की है और इसको हम अभी भी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी शान और नाम, क्योंकि इसका एक क्या अभी सिर्फ सेरेमोनियल रेजिमेंट के तौर पर है? नहीं, सेरेमोनियल हाँ, सच्चाई ये है कि सेरेमोनियल है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी है, बाकी चीज़ों के लिए है। हाँ, अगर आप वो लड़ाई की तरफ से इसका महत्व कम होता जा रहा है, आजकल मैकेनाइज हो गए हैं, टैंकों का जमाना है, BMP का जमाना है और आपका ड्रोन APC आ गए, मगर अभी भी हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस बार आप देखेंगे कि जो दस्ते हैं कि कितने मैकेनाइज के हैं और कितने, एक बार 11 मैकेनाइज कॉलम होंगे और 12 मार्चिंग कॉन्टिंजेंट कर रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया का मुख्य युद्ध टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T90 भीष्म वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये रात के समय भी होते हैं, ये टैंक जो है हमने पहले रूस से लिया था और ये इंडिया में बढ़ता है और ये जो टैंक है बहुत अब्बल दर्जे का टैंक है और इसने जो आज की तारीख में इसको हमने लद्दाख के अंदर भी डिप्लॉयड किया गया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो मेन बैटल टैंक है इंडिया का जो T90 है, तो ये अभी जो सलामी शस्त्र के आगे से जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देखना कि अब ये भारत के अंदर ही बढ़ाया जाता है, अब हम रूस से नहीं ले रहे, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। और जो भारत के जो फ्यूचर कुछ प्लान्स है उसमें आर्मर्ड व्हीकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, लाइट टैंक और जो FRCV है उसके काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो आगे की जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स बनेंगे वो ज्यादातर इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। इस वक्त नाग मिसाइल सिस्टम जो है वो सलामी मंच के सामने से गया, इसमें 12 मिसाइल लैस हो सकती हैं। काफी इंपॉर्टेंट इस वक्त इंडिजनाइजेशन, भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की भी इसमें बात हो रही है। देखो अंकित, इसमें एक बात हमें समझना पड़ेगा कि अब जितना फोकस है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। एक जमाना था जबकि हम 70-80% हथियार बाहर से खरीदते थे, आज हम जो हैं करीब करीब 25-30 के करीब रह गए। हमारे 380 ऐसे आइटम हैं जिसको हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया है, इसका मतलब ये हथियार हम बाहर से नहीं लेंगे, अब हम खुद बनाएंगे। अब मोटो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। आज आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, आपके आकाश मिसाइल है, या आपकी नाग मिसाइल है, या ये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जो बात कर रहे थे उनके पास भी फायर पावर होते हैं लेकिन वो ट्रूप्स कैरी करते, तो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इस वक्त आप ऑल टेरेन व्हीकल जो है क्विक रिएक्शन टीम जो होती है आर्मी डेजर्ट में भी चल पाए, पानी में भी चल पाए, दलदल में भी चल पाए और बर्फ में भी चल पाए। ये जो अभी आगे ना मल्टी रोल मोबिलिटी व्हीकल उसका भी अब दिखाया जाएगा और एक व्हीकल है जो कि चढ़ाई भी कर सकते 45 डिग्री 60 डिग्री डाउन।
ये सारी चीजें भारत में बननी, ये बड़ी कमाल की बात है। तो मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से ये अभी आपके सामने जा रही है, ये है एक प्रकार से मल्टीपल मोबाइल व्हीकल, ये सारी दर्शाता है कि आज की तारीख में भारत के अंदर समान भारत ही बनाएगा। The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. और लेफ्टिनेंट प्रियंका सेवडा द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इज एन इंडिजिनसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड मीडियम रेंज ऑल वेदर रॉकेट सिस्टम जो इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड मैन्युफैक्चर्ड मीडियम रेंज वेपन सिस्टम ऑल वेदर इनका जो रेजिमेंट का जो इनका जो मार है 12 रॉकेट 214 मिलीमीटर का ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर का इनका रेंज और ये जो यूनिट है इनका जो मोटो है जो आर्टिलरी है सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल everywhere with honor and glory receiving a round of applause from the assembled guests multiple rocket launcher ne 40 ek time pe barrel se nikal sakte hain missile aur wo uski range 38 kilometer swati the weapon locating radar system aap dekhe iska impact kitna hota hai the Pinaka of the Regiment of Artillery bharat ko khud banaya hai developed again by the DRDO and Bharat Electronics this is a swati weapon locating radar hai designed jo jab enemy weapon fire karte hain तो वो कहां से आ रहा है वो ट्रैजेक्टरी है उससे डिसाइड करते हैं ताकि हमारा जो आर्टिलरी है उस पे फायर करे और ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड है और इसका भी जो लीडिंग है वो लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा है वो भी एक महिला अधिकारी है ये पहली बार शायद वो आर्टिलरी और फाइटिंग रडार सिस्टम महिला अधिकारी जो है वो परेड में हिस्सा ले रहे हैं तो ये प्रेसिडेंट एक्नॉलेजिंग देयर सैल्यूट्स बहुत रिसेंटली आर्टिलरी में वी नाउ हैव द सर्वत्र मोबाइल एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रिजिंग सिस्टम ऑफ द कोर ऑफ इंजीनियर्स लेड बाय कैप्टन सुपन सिंह ऑफ 9 रैपिड इंजीनियर आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई थी आर्मेनिया ने स्वाति का इस्तेमाल किया तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्वाति रडार की डिमांड फॉरेन कंट्री में भी बहुत है। आजकल की लड़ाई किस तरीके से बदल रही है उसको आपको दिखाई पड़ेगा ये ड्रोन जैमर सिस्टम जो है जो इस वक्त यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखो हेलीकॉप्टर ड्रोन का हमें जो ये आज की तारीख में अगर आप देखें ड्रोन सबसे बड़ी थ्रेट बन गया है और अगर आपको ड्रोन को नलीफाई करना है तो आपको ड्रोन जैमिंग सिस्टम जाना पड़ेगा और भारत ये खुद बना रहा है कि जो एरिया टारगेट लेके आपके जो ड्रोन दुश्मन के उस इलाके में आएंगे उसको आप जैम कर सकते हैं। इसकी भी कमान एक महिला अधिकारी कर रही है। ड्रोन मानव रहित विमान प्रणाली सिग्नल का पता लगाने ट्रैक करने अंकिता चौहान को ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम जैमिंग के काम में इस्तेमाल होता है और इसका जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सब सिस्टम है वो भी हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। ये सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहा है और ये एक सिस्टम 2.5 टन व्हीकल में लोड डिजिटल संचार को रोकने And this is used for you know commanders to get a feel of the electronic order of battle from UOB बोलते हैं और सेना की एक important part होता है intelligence technology surveillance network का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। ये medium range surface to air missile system है MRSAM जिसे कहते हैं। ये भी लेफ्टिनेंट सुमेधा तिवारी इस बार आप देख रहे हैं कि हर एक जो वेपन सिस्टम है उनमें एक महिला अधिकारी तो इस बार का जो परेड है वो बहुत ही अलग है खास है। इतने महिला अधिकारी शायद मैंने पहले कभी 70% इस बार महिला जो अधिकारी हैं और ये जो एमआरसैम सिस्टम इसका नाम है अव्रा अव्रा वेपन सिस्टम इसका जो नाम है इसका रेंज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है।
ये भी देखो सच्चाई है अंकित बनाए गए हैं इंडिया और ये सारे हथियार भारत की जो फौज है उसके अंदर आ गए हैं मल्टी रेंज मिसाइल सिस्टम है बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है इसकी रेंज 60-70 किलोमीटर इसको आप देख सकते हैं कि कितना घातक है लड़ाई के दौरान इसके पीछे आप जो देखेंगे वो मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को देखिए जब आपका वेपन फायर होता है उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पता करना कि वेपन कहाँ से आ रहा है जैसे वेपन लोकेटिंग रडार आपको दिखाया और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब एनिमी एयरक्राफ्ट वगैरह आ रहा है जब एक आर्मी का जो यूनिट मूव करते हैं तो उसका एक अलग एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो फाइनली ओवरऑल जो देश का एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट होता है लेकिन उनके पास एक अलग रडार होता है जो मोबाइल रडार होता है और वो मल्टी फंक्शन इसलिए होता है कि वहाँ पर डिफरेंट रेंजेस में आप थ्रेट के ऊपर उसको अलग अलग शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि रडार का जो फ्रीक्वेंसी वगैरह वो उनका एजिलिटी होता है वो चेंज हो सकता है और ये सब चीज़ें आजकल इंडिया में बनाया जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ें और ये एक पिछले कई सालों से इसमें काम हो रहा है और अभी आप देख रहे हैं ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड हो चुका है ये मल्टी फंक्शन रडार सिस्टम है ये 300 किलोमीटर तक हवाई निगरानी करने में सक्षम है मध्यम दूरी की वायु रक्षा हथियार प्रणाली में इसका इस्तेमाल होता है और आपने शायद बीच में देखे थे जो एक फ्लाईपास्ट वो निकल गए थे जी जिसको कैमरा लास्ट में वो था एक प्रचंड हेलीकॉप्टर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लास्ट ईयर इंडक्ट हुआ था और उसके साथ तीन रुद्रा हेलीकॉप्टर जो जो एल अपना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है उसका जो वेपनाइज्ड वर्शन है वो थे तो चार जहाज जो चारों इंडिया में बनाया गया है वो आर्मी का ये चार ही हेलीकॉप्टर थे इस बार के सो इसमें क्या है एयर विंग जो है सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के नहीं जी इसमें आर्मी का भी है नेवी का भी है और एयरफोर्स का भी और इस बार तो फ्रेंच एयरफोर्स का भी था बिल्कुल जो अंकित अटैक हैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है अभी हमने अपाचे अटैक हैप्टर लिए हुए अमेरिका से अब भारत ने खुद भी डेवलप कर दिया प्रचंड जी और ये एक बहुत ही मॉडर्न जो अटैक हैप्टर है प्रचंड और ये आर्मी के अंदर इंडक्ट हो चुका है और ये एक इसकी अगर आप देखें काबिलियत क्षमता बहुत ही अच्छी है और इसको अभी एक्सरसाइज में भी टेस्ट किया गया है